वेलकम टू ऐसा ही होता है। मैं हूँ शिवम और ये है, मैं हूँ शिवम और ये दीपिका। सॉरी आई एम रियली सॉरी, पर आज मेरा दिमाग कुछ कम काम कर रहा है। हम ज्यादा ही एक्साइटेड है ना? एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, पर मेरा दिमाग सही काम कर रहा है। तुम अपनी बात करो भाई। आज हम बाहर जा रहे हैं एक ऐसे पक्षी को देखने जिसके बारे में आज तक हमने सिर्फ सुना है। फॉरेनर है, मतलब भारत देश का नहीं। कई सारे रहस्य जुड़े हैं इस पक्षी के नाम से। तो चलिए और आप भी मिलिए इस इंटरेस्टिंग पक्षी से। बर्ड मतलब उड़ान, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते। हम मिले फ्लाइटलेस बर्ड परिवार के एक सदस्य एमू से। ऑस्ट्रेलिया का ये पक्षी काफी ऊंचा है। शरीर पर फेदर्स हैं, पर बेजान लटके रहते हैं। फ्लाइट मसल्स भी विकसित नहीं। एमो उड़ नहीं सकते, लेकिन दौड़ के चैंपियंस हैं। 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये दौड़ सकते हैं, और पता चला है कि इनकी लात बहुत ताकतवर है। हम जैसों की हड्डी पसली तोड़ दे, लेकिन ये ना देखने को मिले तो ही अच्छा है। मजेदार बात ये है कि एमो उल्टा नहीं चल सकते, सिर्फ आगे पीछे नहीं। ये प्री हिस्टोरिक बर्ड्स हैं, मतलब सदियों पहले इस धरती पर आ चुकी थी ये। पर हैं पर उड़ नहीं सकते, पर हैं पर के मसल्स नहीं, पर हैं पर का कोई फायदा ही नहीं। पर क्या कर रही हो, प्लीज बोर मत करो। हाँ भाई, मुझे तो इमोस बड़े फैसिनेटिंग लगे, पर मैं ये क्या पर अरे मैं उस पर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ विंग्स की। पर ज्यादातर बर्ड्स तो फ्लाइट एक्सपर्ट्स होते हैं। बर्ड से इंस्पायर होकर ही तो एरोप्लेन्स बने। वैसे शिवम, तुम्हारा एरोप्लेन मतलब पेपर प्लेन कितनी दूर उड़ता है? अरे नापा तो नहीं है, लेकिन एक बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, तुम्हारे प्लेन से तो अच्छा होगा। सोच लो बच्चों। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, इन सब मामलों में तो गर्ल्स आ गर्ल्स तो हो ही जाए। पेपर प्लेन फ्लाइट चैंपियनशिप, वैसे गर्ल्स की इज्जत का सवाल जो है। बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो हो जाए। दोनों तरफ जोश, गर्ल्स और बॉयज के बीच पेपर प्लेन फ्लाइट कंपटीशन। किसका प्लेन बेटर उड़ेगा? बॉयज का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें दे गया मात, और इस बार गर्ल्स की हो गई जीत। साइंस की दुनिया में ऐसा भी होता है। तो बच्चों क्या कहते हो, अब ये कहना सीखो कि गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। ओके बाबा, आई टेक माय वर्ड्स बैक, बट आई एम रियली इंप्रेस्ड। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे प्लेन में ऐसी क्या बात है जो मेरे प्लेन में नहीं। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि गर्ल्स आर बेटर देन बॉयज, लेकिन ये सब हुआ साइंस की वजह से, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। तो क्यों, बॉयज का प्लेन गर्ल्स के प्लेन के कंपैरिजन में अच्छी तरह नहीं उड़ पाया? वजह है ये क्या है? इसी में तो छिपा है फ्लाइट का साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसमें देखो, मैं समझाती हूँ। एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं और उसे इस किताब में डालते हैं, इस तरह। अभी मैं इसमें फूंक मारती हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, अरे ये तो ऊपर आ रहा है। और इसी में छुपा है फ्लाइट का साइंटिफिक प्रिंसिपल। अभी तुम ट्राई करो। केटू अब क्या कह रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीपिका देखो, फ्लाइट का साइंटिफिक प्रिंसिपल निर्भर है इसकी शेप में, यानी आकार में, और इसी आकार को हम कहते हैं एरोफॉइल, जिसकी वजह से चिड़िया से लेकर जेट प्लेन तक आसमान में उड़ पाते हैं। तो यानी ये एरोफॉइल शेप ना होता तो हम फ्लाइट नहीं कर सकते। अभी तुम देखो, उड़ने की बात हो और हम उड़े नहीं, ऐसा ही होता है मैं ऐसा नहीं होता।
हम भरेंगे समुंदर किनारे से एक मजेदार उड़ान। आसमान में ही समझते हैं उड़ान की फिजिक्स। विंग के आकार को देखें, यही है एरोफॉइल। ऊपरी सतह निचली सतह से ज्यादा। पंख के ऊपर हवा को दूर जाना है, तेज चलना है। तेज हवा मतलब कम दबाव और पंख के नीचे दबाव कम। ये प्रेशर डिफरेंस ही प्लेन को ऊपर की तरफ उठाता है। अब प्लेन का किताब में रखे कागज से क्या संबंध? संबंध है फिजिक्स का नियम कि फ्लूइड की तेज गति कम दबाव पैदा करती है। यही नियम कागज को ऊपर उठाता है और प्लेन को भी उड़ाता है। आकार है एरोफॉइल। टेक ऑफ के लिए विमान बहुत तेज चलता है। जितनी अधिक गति उतना प्रेशर डिफरेंस, उतना अधिक लिफ्ट। उड़ान के समय विमान पर होते हैं चार बल। ग्रेविटी या वेट जो नीचे खींचता है, लिफ्ट फोर्स जो ऊपर उठाता है। लिफ्ट को वेट से ज्यादा होना चाहिए। हवा की रेजिस्टेंस या पीछे खींचने वाला ड्रैग। और चौथा बल है थ्रस्ट जो ड्रैग से उल्टा है। थ्रस्ट विमान को आगे बढ़ाता है। ज्यादा लिफ्ट और थ्रस्ट हो तो विमान उड़कर आगे बढ़ता है। और आप बनाते हैं अपने लिए एक एरोफॉइल। एरोफॉइल जिसकी ऊपरी सतह कर्व्ड हो। थोड़ा सा सामान जो घर में मिल जाता है। और अब हमारा एरोफॉइल भी एक ही दिशा में जा सकता है, ऊपर। हाल ही में फ्लाइट के बारे में एक नई थ्योरी साबित हुई है, क्वांडा इफेक्ट, जो एक रिएक्शनरी फोर्स है। इसके बारे में जरूर पता करें। भाई हमारी प्लेन हो या फिर पतंग, वो उड़ती है तो इन्हीं चार फोर्सेस के कारण। वेट या ग्रेविटी इसे नीचे खींचता है और लिफ्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता है और चीजों को ऊपर उठाता है। इन दोनों फोर्सेस मतलब ऊपर और नीचे के फोर्सेस के अलावा होता है एक और फोर्स, ड्रैग, जो प्लेन को आगे बढ़ने से रोकता है। अरे वो सुना है ना, तीन तिगाड़ा तो काम बिगाड़ा। थ्रस्ट फोर्स ड्रैग फोर्स के अगेंस्ट काम करती है और चीजों को आगे बढ़ाती है। अभी तो हम किताबों में पढ़कर और केटू से समझकर इतने मजे में फ्लाइट की बातें कर रहे हैं, पर क्या तुमने कभी सोचा है कैसे पॉसिबल हुई होगी दुनिया की पहली फ्लाइट? सी ने तो सोचा होगा, पंख होते तो उड़ जाते। पक्षी पंख फड़फड़ाकर उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ऐसे बहुत से अटेम्प्ट्स फेल हो गए, लेकिन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली ऑरविल और विल्बर राइट ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया था। पहली उड़ान पूरे 21 सेकंड की थी और दूरी 37 मीटर। वेल सोचो, अगर हम होते राइट ब्रदर्स, तुम होती ऑरविल राइट और मैं होता विल्बर राइट, तो क्या तुम मुझे पहली बार उड़ान भरने देती? यानी तुम जमीन पर और मैं आसमान में? नो वे, मैं तो तुमसे झगड़ा करती। पर राइट ब्रदर्स समझदार थे, उन्होंने किया टॉस। रियली? और टॉस में विल्बर जीत गए और उन्होंने पहली उड़ान भरी। विल्बर नहीं, ऑरविल ने उड़ाई थी पहली फ्लाइट। हाँ, वो इसलिए क्योंकि पहला ट्रायल फेल हो गया था। ऑब्वियसली सेकंड चांस मिला विल्बर को। वैसे प्लेन में कोई भी बैठा हो, क्रेडिट तो दोनों को ही जाता है। वैसे शिवम, क्या तुमने कभी बर्ड्स के पंखों को माइन्यूटली स्टडी किया है? किया तो है, पर इतनी अच्छे से नहीं कि उन पर फ्लाइट के प्रिंसिपल अप्लाई कर सकूं। नो प्रॉब्लम, तो अब कर लेते हैं। पक्षी अपने पंखों को हिलाकर हवा को नीचे धक्का देते हैं। इससे एक विपरीत बल पैदा होता है, लिफ्ट, जो पक्षी को ऊपर उठाता है। पक्षियों के पंखों को ध्यान से देखा है, एरोफॉइल शेप ही नजर आएगी, साथ में एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी, एक ऐसा आकार जो ड्रैग को कम कर सके, हवा को काट कर पक्षी को आगे बढ़ा सके। चील जैसे पक्षी पंख हिलाए बिना काफी देर तक आसमान में ग्लाइड करते रहते हैं। ये पक्षी उड़ान भर के थर्मल्स ढूंढते हैं। थर्मल्स मतलब ऊपर उठने वाले गर्म हवा के झोंके। ये गर्म हवा ग्लाइडर्स को घंटों आसमान में उड़ा सकती है, फिर वो पक्षी हो या एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स के पैराग्लाइडर्स। अब
पता चल गया चीले कैसे इतने मजे में ग्लाइड करती रहती हैं। वैसे एक और बात बताऊं, जितनी छोटी बर्ड होगी और जितना छोटा उसका विंग स्पैन होगा, उसे उतनी ही ज्यादा बार विंग्स फ्लैप करने पड़ेंगे। बर्ड्स की बातें अभी तक चल रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, गीस हमेशा माइग्रेट करते वक्त वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ती हैं? क्योंकि वो एस नहीं बना सकती। जोक अच्छा था, लेकिन असली साइंस कुछ और है, बताती हूँ थोड़ी देर बाद। बात हो रही थी माइग्रेटरी बर्ड्स के फ्लाइट पैटर्न्स की। मैंने पूछा था कि गीस हमेशा वी पैटर्न में ही क्यों उड़ती हैं? जवाब बिल्कुल साइंटिफिक है। In fact, we can also say that geese are the masters of physics. तो इन masters of physics से सीखते हैं थोड़ी और science. After all, हमारे चारों ओर science ही तो है, right Ketu? Right. Migratory birds को बहुत दूर तक उड़कर जाना होता है। उनके survival का सवाल है। Scientists ने पता किया है कि बहुत से पक्षी V आकार में उड़कर ऊर्जा बचाते हैं। हर पक्षी अपने आगे उड़ने वाले पक्षी से थोड़ा ऊपर उड़ता है, इससे एयर रेजिस्टेंस मतलब ड्रैग कम हो जाता है। गीज एक्सपर्ट्स हैं, जानते हैं कि आगे उड़ने वाला पक्षी ज्यादा जोर लगाता है, थक जाता है, वो बारी बारी लीडर बदलते रहते हैं और दूर दूर तक बिना रुके उड़ पाते हैं। बर्ड्स के फ्लाइट पैटर्न से हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आपको पता है कि फाइटर प्लेन्स को आज भी वी फॉर्मेशन में ही उड़ाया जाता है? और दीपिका, कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो वरना तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो मेरी चिंता छोड़ो केटू, मैं उतनी देर से इन बलून्स को देख रही हूँ, ये हवा में उड़ रहे हैं, पर इनमें तो कोई एरोफॉइल शेप दिखाई नहीं दे रहा। यू आर राइट, इन बलून्स को फ्लोट करने के लिए एरोफॉइल शेप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हल्के हैं, हवा से भी हल्के, लाइटर देन एयर। गैस बलून्स में भरी होती है हीलियम या हाइड्रोजन गैस। ये दोनों गैसेस हवा से हल्की हैं। सिंपल फिजिक्स है, गुब्बारे की गैस का घनत्व या उसकी डेंसिटी आसपास की हवा की डेंसिटी से कम है, बॉयंसी के नियम पर वो ऊपर उठता है और हवा में फ्लोट करता है। अब मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। मान लो कि ना तो हमारे पास हाइड्रोजन है और ना ही हीलियम, मतलब कि कोई भी ऐसी गैस नहीं जो हवा से हल्की हो, फिर भी क्या तुम अपने इस बलून को हवा में तैरा सकते हो? कोई ऐसी गैस नहीं जो हवा से हल्की है, फिर भी हाँ, अगर हम बलून के अंदर की गैस को गर्म कर दें तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो बलून को हवा में उड़ा देगी। इज इट हॉट एयर बलूनिंग? एब्सोल्युटली राइट, और अब यही हॉट एयर बलून हम बनाएंगे। देखें, हॉट एयर बलून बनाना भी बच्चों का खेल है। हेल्प लेते हैं कुछ बुक्स की और सबसे पहले बनाते हैं बलून। पंखुड़ी के आकार की इन पट्टियों को जोड़कर तैयार करनी है एक ऐसी छतरी जैसी थैली जिसका मुंह खुला हो। नीचे बांध देते हैं धागे और थोड़ा सा वजन अपने बलून को स्टेबल बनाने के लिए। गर्म हवा मिल जाएगी मम्मी के हेयर ड्रायर से। तो देखते हैं अपने हॉट एयर बलून का टेक ऑफ। हम जानते हैं कि हवा के मॉलिक्यूल्स चलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। बलून के अंदर हवा गर्म होने से उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, वो ज्यादा टकराते हैं, ज्यादा दूर जाते हैं। अब गुब्बारे के अंदर की हवा आसपास की हवा से कम घनी हो जाती है। गर्म हवा की बॉयंसी या ऊपरी उछाल ठंडी हवा से ज्यादा है, इसीलिए गर्म हवा का गुब्बारा आराम से हवा में ऊपर उठता है। आज हमने हॉट एयर बलून भी बनाना सीख लिया और फ्लाइट के प्रिंसिपल्स भी समझ लिए। उन पक्षियों से मिले जो उड़ सकते हैं और उनसे भी जो उड़ नहीं सकते, ये सब इतने मजे के साथ। अब बिना टाइम वेस्ट किए आपके सवालों के जवाब, वो भी अपनी क्यों और कैसे केटू के साथ। फ्रेंड्स, आपके ढेर सारे खास हमें लगातार मिल रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि आपकी क्यूरियोसिटी काफी बढ़ रही है। साइंस में भी खूब मजा आ रहा है, गुड। एक ऐसा ही मजेदार सवाल पूछा है हमारे एक दोस्त ने। पूछते हैं कि केचुए यानी अर्थवर्म इतने सॉफ्ट और स्क्विशी होने के बावजूद सख्त मिट्टी के अंदर कैसे घुस जाते हैं? जवाब शायद
आपको भी हैरान कर दे। केंचुए, अर्थवर्म्स, बिल्कुल नरम शरीर, लिजलिजा, ना तो बैकबोन, ना ही कोई ऐसा अंग जो पैना हो और मिट्टी खोद सके। फिर भी अर्थवर्म्स मिट्टी के अंदर घुसने में माहिर हैं। मिट्टी ही उनका घर जो है। अर्थवर्म्स सख्त मिट्टी में भी घुस जाते हैं, खा खा कर। वो मिट्टी खाकर ही अपने लिए रास्ता बनाते हैं। मिट्टी उनके शरीर में डाइजेस्ट होती है, पचती है और बाहर निकलती है कास्टिंग्स के रूप में। ये कास्टिंग्स बढ़िया खाद हैं। हर किसान और माली की दोस्त, बढ़िया मिट्टी की पहचान। मतलब मिट्टी में जितने ज्यादा अर्थवर्म्स उतनी ज्यादा उसकी फर्टिलिटी। तो क्या आप विज्ञान से जुड़ी कोई बात देखना चाहते हैं या विज्ञान से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हमें जरूर लिख दीजिए, क्योंकि हमारा मोटो है जहाँ कोई भी सवाल वहाँ होता ही है जवाब, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही।